हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक मैजिकल ऑयल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये ऑयल आपकी स्किन को ब्राइट, ग्लोई एंड स्पॉटलेस बनाएगा, आपके स्ट्रेच मार्क को भी हटाएगा और स्किन इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा। इसके लिए हमें चाहिए अ हैंडफुल ऑफ नीम लीव्स। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, इससे स्किन इवन होता है, स्किन के डार्क स्पॉट एंड ब्लेमिशेस को भी कम करता है, और नीम लीव्स में मौजूद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज स्किन में हुई पिंपल, रेडनेस या फंगल इन्फेक्शन को भी क्योर करता है। अब लेंगे अ हैंडफुल ऑफ तुलसी लीव्स। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, जो स्किन के इन्फेक्शन को हील करता है, एक्ने, ब्लैक हेड्स को रोकता है। तुलसी लीव्स में विटामिन के एंड एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब लेंगे एक नींबू। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, जो स्किन डैमेज एंड प्रीमैच्योर एजिंग को रोकता है और स्किन को स्पॉटलेस बनाने में मदद करता है। एक ऑरेंज ले लेंगे। ऑरेंज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को रोकता है और रिंकल प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है। ऑरेंज स्किन को ब्राइट और लाइट बनाने में मदद करता है और स्किन में हुई सन टैन को भी रिमूव करता है। अब लेंगे हल्दी का एक टुकड़ा। हल्दी में कर्क्यूमिन रहता है और कर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, जो स्किन को ग्लोई और लाइट बनाने में मदद करता है, टर्मरिक सोरियसिस और एक्ने को भी क्योर करता है और एक्ने मार्क्स को भी रिड्यूस करता है। 3 से 4 देसी गुलाब के फूल ले लेंगे। गुलाब सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। गुलाब स्किन में हुई रेडनेस, सोरियसिस, एक्जिमा को क्योर करने में मदद करता है और ये स्किन में हुई पिगमेंटेशन को भी लाइट करता है। अब सारी इंग्रेडिएंट को धोकर काट लेंगे और मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके पास देसी गुलाब का फूल ना हो तो 3 to 4 टीस्पून प्योर रोज वाटर इसमें डाल सकते हैं। ये अच्छे से पीस चुका है। अब इसे एक प्लेट में ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में फैला लेंगे। अब इसे 2 से 3 दिन धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। बीच बीच में इसे उलट देंगे। अब ये अच्छे से सूख गया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और एक कांच की बोतल में डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सैफ्रॉन। सैफ्रॉन स्किन टोन को लाइट और ब्राइट बनाने में मदद करता है। अब इसमें ऐड करेंगे 250 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और डालेंगे 50 ml आमंड ऑयल। आमंड ऑयल स्किन लाइट और ब्राइट बनाने में मदद करता है। ये स्ट्रेच मार्क को कम करता है, आंखों के नीचे हुई डार्क सर्कल को लाइट करता है और ये लिप्स के पिगमेंटेशन को भी हटाता है। अब इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई स्किन में हुई फाइन लाइंस और रिंकल को रिड्यूस करता है और ये स्ट्रेच मार्क को भी कम करता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 वीक्स के लिए छोड़ देंगे। इसे धूप में नहीं रखना है। आप किसी नॉर्मल प्लेस पे इसे रख दीजिए। ऑयल को हीट करने से ऑयल की जो बेनिफिट है वो कम हो जाता है। 2 वीक्स के बाद इसे खोल लेंगे। आप इसे अपने फेस पर, बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। अंडर आई क्रीम के बदले इस ऑयल को एवरी नाइट अप्लाई करें तो आपके डार्क सर्कल चला जाएगा और आपके आई लैशेज भी ग्रो करेगा। आप इसे अपने लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑयल आपके लिप्स को पिंक बनाएगा। इस ऑयल को आप अपने DIY फेस पैक या फिर बॉडी स्क्रब के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इस ऑयल को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें और थोड़ी सी मसाज करके छोड़ दें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इस ऑयल को अप्लाई करके ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह फेस को वॉश कर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इस ऑयल को अप्लाई करके 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें, फिर फेस को वॉश कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।